Hey. Excuse me? मुझे माफ कीजिए लेकिन ये नकली है। Hey! एक असली डायमंड को ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता। मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे झूठे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो नकली डायमंड था। अच्छा तो ये है तुम्हारा प्यार का नमूना? कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये भी शायद तुमने कोई सस्ती जगह से ली है। प्लीज, मुझे तुम्हारे नकली गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ठगा गया है। तुम्हें पता होना चाहिए ये सब तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुम बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं। मेरा यकीन करो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शायद कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें। हो सकता है हमारा प्यार भी नकली है। नहीं तो शायद तुम्हारा ये नेकलेस असली होता। प्लीज अलीशा, प्लीज अलीशा मेरी बात सुनो। वो असली हीरा कहाँ है? ओ, तो उसे पता चल ही गया आखिरकार। ओके, तुमने वो हीरा कब चुराया? जब तुम मेरे कपड़े फाड़ रहे थे। अपना मुंह बंद रखो। मुझे एक्सीडेंटली वो तुम्हारे पॉकेट से मिला। मुझे लगा कि वो मेरे लिए है लेकिन उसमें तुम्हारी वाइफ के साइन थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें। ये तो कुछ नया है, कम ऑन। एक काम करो, रख लो उसे, तुम्हें उसकी जरूरत है। शायद तुम उसे बेच कर कुछ पैसे कमा सकती हो लेकिन वो मेरे बिना हो। ओ, तुम उससे ब्रेकअप कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम एक चोर हो। तुम एक चीटर हो। क्या चोरी? अपना मुंह बंद रखो। हमारे बीच जो भी कुछ हुआ था वो एक गलती थी, एक बहुत बड़ी गलती। तुमने कहा था कि तुम अपनी वाइफ को छोड़ दोगे और उसके बजाय तुम उसके लिए बड़े बड़े डायमंड खरीद रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो उसे पसंदीदा डायमंड खरीद के दे सकता हूँ। और क्योंकि मैं यहाँ सब कुछ तय करता हूँ, मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहता, समझ गई तुम? और मैं तुम्हारे खर्चे अब से नहीं उठाने वाला। याद रखना मेरी बातों को। जा रहा हूँ मैं। ठीक है। ओ, तुम्हें मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा बेबी। हनी मैं आ गया। आज ही के दिन हमने वो साइन किया था। स्वीटहार्ट, इस नेकलेस को देखो, ये वैसा ही है जैसा तुमने मुझे दिया था। हमने साइन किया था। अब स्वीटहार्ट, सोने का समय हो गया है, ठीक है? यहाँ आओ। हेलो मोनिका। हेलो। ये लड़की इसे बेचना चाहती है और वो चाहती है कि मैं इसे हाफ प्राइस में खरीदूं। Can you imagine? Oh, wow. तो हमें ये खरीदना चाहिए? Oh, of course. ये उन पर जच रही है। हाँ बिल्कुल, तुम कितनी सुंदर दिख रही हो हनी, हमें ये खरीदना चाहिए। Oh, स्वीटहार्ट, हमारे लिए थोड़ी सी कॉफी बना दोगी? हाँ, और उस दौरान मैं प्राइस को लेके थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। इधर आओ। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? ये रहा नेकलेस का चेक, तुम इसे पे करोगे? 1 मिलियन? क्या ये कोई मजाक है? ओ, वैसे तुम्हारे परिवार की शांति की क्या कीमत है? मेरी बात सुनो, ये नाटक बंद करो। हाँ, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और मेरे लिए दोनों लागू होते हैं। चार्मिंग वाइफ, ह्यूज इनकम और साथ में 2 बच्चे, क्या जिंदगी है। लेकिन ये बर्बाद हो सकती है, कितना बुरा होगा। बकवास बंद करो अपना। शांति और नेकलेस, डील? नहीं। तो डील हो गई। टॉम, क्या ये डील मंजूर है? मैं सोच रहा हूँ। कुछ बोलो, मैं और तुम्हारी वाइफ इंतजार कर रहे हैं। अरे जरा सोचने तो दो। You know, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपके पति को बहुत समय से जानती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, जैसे जैसे हम पहले भी मिले हैं कभी। हाँ हाँ हाँ, मैंने ये बहुत बार सुना है। हाँ तो तुम्हारे यहाँ? यहाँ क्या है? बस।
शायद ये जैम है। हाँ हाँ ये तो जैम है, ये जैम से बने बहुत से केक्स हैं ऑफिस में। तो क्या ये दिल पक्की है? फायदेमंद होगा नहीं, इतनी प्यारी हैप्पी वाइफ एक सुंदर से नेकलेस के साथ। लेकिन हमने तो प्राइस पे अग्री ही नहीं किया। ठीक है, बहुत हो गया, अब जाओ अपने रूम में जाओ जल्दी। वेल, तो मुझे लगता है कि आपका ये डिसीजन है ना? यू नो, मुझे लगता है हमें बार्गेन करना चाहिए, और मुझे ये भी लगता है कि तुम थोड़ा डिस्काउंट तो कर ही सकते हो हमारे लिए। और वैसे भी यू नो, ये डील तुम कर रही हो तुम्हारे पुराने दोस्त के साथ है ना? दोस्त? नहीं 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 हनी, ये तो नहीं, मैं कहना चाहती हूँ एक छोटा सा डिस्काउंट। ओह माय, मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। मैं तो ये सीक्रेट बताने ही वाली थी। अपना मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो अपना। तुमसे बुरा मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। निकल जाओ यहाँ से, जाओ निकल जाओ। तुमने सुना ना हनी, मैं उसे प्यार नहीं करता। बस बहुत हो गया, परेशान मत हो, जस्ट रिलैक्स हनी। ये आखिरी बार तुम मुझे छू रहे हो, ठीक है? समझ गए? मेरा वकील तुम्हें बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं। ओके? इतनी एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, चोरी भी एक सीरियस क्राइम है। बिल्कुल सही समय पर आए हैं मेट, मिस्टर कजीमियर, अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। चोरी, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल? मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। हनी प्लीज, मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या लगा था तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहोगे और मुझे कभी शक नहीं होगा? प्लीज माफ कर दो मुझे। जो भी पैसे है वो हमारे परिवार के है, तुम हमें कैसे धोखा दे सकते हो? वैसे भी हमारे बच्चे, हमारा प्यार, इसकी कोई कीमत नहीं होती। चले जाओ।